हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप का जो पहला लेक्चर तो हम दे चुका हूँ, जो कि प्राइवेट, जिसमें प्राइवेट कैटेगरीज में जितनी भी फॉरेस्ट आ रहे थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में पढ़ते कि जिस स्टेट ओन फॉरेस्ट या गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट कौन कौन से हैं। तो चलो स्टार्ट ले लेते हैं। स्टेट ओन फॉरेस्ट, जिस तरह पहले हम पढ़ चुके हैं कि स्टेट ओन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, जो दे बिलोंग टू गवर्नमेंट, यानी दीज फॉरेस्ट आर ओन बाय द स्टेट एंड आर फर्दर क्लासिफाइड एज, या इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो ये है कि ये एक रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, एक अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं और एक रिज्यूम लैंड्स होते हैं। इन बलूचिस्तान द रिजर्व फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट फॉरेस्ट, यानी उसमें रिजर्व की पार्टिकुलर कैटेगरी नहीं है, उसको बलूचिस्तान में जितनी भी रिजर्व फॉरेस्ट है यानी गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट है उनको डायरेक्ट हम कहते हैं स्टेट ओन फॉरेस्ट। ये चार्ट है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है स्टेट ओन फॉरेस्ट की जो फर्दर कैटेगरी है उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो उसमें जो पहली कैटेगरी है वो रिजर्व फॉरेस्ट है, फिर अनक्लास फॉरेस्ट है, फिर रिज्यूम लैंड है, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ये अगर इस तरह आ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिज्यूम लैंड है और फिर अनक्लास फॉरेस्ट है। तो चलो एक एक जो आप अभी डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते कि जी रिजर्व फॉरेस्ट कौन कौन से फॉरेस्ट है। तो रिजर्व फॉरेस्ट को अगर हम बाय डिफिनीशन देख ले तो फॉरेस्ट वेयर राइट्स आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। ये रिजर्व फॉरेस्ट की एक सिंपल डिफिनीशन है जिसको हम हर जगह पे करते हैं कि जी दोस फॉरेस्ट जिसमें कि राइट्स जो है नॉर्मली प्रोहिबिटेड होते हैं, यानी लोगों को ये परमिशन नहीं होती कि अपने राइट्स जो है वो एक्सरसाइज कर ले। अब राइट्स कौन कौन से राइट्स होते हैं लोगों के, रोगों के जो राइट्स होते हैं वो राइट्स ऑफ टिम्बर होते हैं, राइट्स ऑफ वे, राइट्स ऑफ ग्रेजिंग या राइट्स ऑफ विल या वाटर स्प्रिंग वगैरह, मुख्तलिफ किस्म के राइट्स होते हैं फॉरेस्ट में। यानी जो हमारे फॉरेस्ट के साथ ये सबसे बड़ा मसला ये भी है कि दे आर बर्डन विद हीवी राइट्स, इसमें बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो जो कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उसमें ये राइट्स जो है ये प्रोहिबिटेड होते हैं, ये आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते अनलेस परमिटेड, यानी जब आपको परमिशन दी जाती है ना, हालात नॉर्मल है तो आपको अगर परमिशन मिल जाती है तो आप उसको एक्सरसाइज करते हैं। नॉर्मली राइट्स आर क्या होते हैं, राइट्स जो है वो प्रोहिबिटेड होते हैं। और ये प्रोहिबिटेड परमिटेड जो है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए गवर्नमेंट जो है थ्रू नोटिफिकेशन जो है वो अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट में मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी लोगों के राइट्स होते हैं वो प्रोहिबिटेड होते हैं जब तक गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो परमिट ना करे। दीज आर द गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट डिजिग्नेटेड आफ्टर द फर्स्ट लैंड सेटलमेंट। लैंड सेटलमेंट की बात जो है वो गुजारा फॉरेस्ट में भी हो गई है, तो इसमें भी है कि जिस वक्त जो लैंड सेटलमेंट हो रही थी यानी बंदोबस्त अराजी हो रही थी यानी तकसीम हो रही थी ज़मीनों की 1872 में, तो दीज फॉरेस्ट ओन फॉरेस्ट डिजिग्नेटेड आफ्टर द फर्स्ट लैंड सेटलमेंट डिल्ट अंडर द सेक्शन 4-26 ऑफ द फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस 2002। और ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस 2002 में 4 सेक्शन से लेकर 26 सेक्शन तक जो है वो जो प्रोविजन है इस ऑर्डिनेंस में, तो वो इसको जो है वो इस रिजर्व फॉरेस्ट को डील करते हैं। यानी इस लॉ के अंडर अगर हम बात कर ले, फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस 2002 के अंडर अगर हम बात कर ले तो इसमें 4 से लेकर 26 तक जो सेक्शन है वो इस रिजर्व फॉरेस्ट की जो है वो प्रोविजन है। उसमें उनकी परमिशन का जो तरीक़ाकार है, राइट किस तरह हम एक्वायर करते हैं और फिर कौन कौन से एक्ट है, 26 में पार्टिकुलरली वो सेक्शन है जिसमें हम कहते हैं कि जी कौन कौन से एक्ट है जो कि आप नहीं कर सकते रिजर्व फॉरेस्ट में। इन हज़ारा कंट्रोल ऑफ सम फॉरेस्ट हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कंटोनमेंट एंड म्यूनसिपल अथॉरिटीज, सच फॉरेस्ट आर कॉल्ड कंटोनमेंट एंड म्यूनसिपल फॉरेस्ट। आपने
किसी किसी जगह पे, खासकर हजारा में, मरी में या इस तरह के एरिया में म्यूनिसिपल फॉरेस्ट के नाम भी सुने होंगे और कैंटोनमेंट फॉरेस्ट के नाम भी सुने होंगे। तो कैंटोनमेंट फॉरेस्ट या म्यूनिसिपल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही से ट्रांसफर किए, यानी ये रिजर्व फॉरेस्ट है, गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट है, गवर्नमेंट के फॉरेस्ट है, लेकिन उनका जो कंट्रोल है वो तो या किसी केंट एरिया के हवाले कर चुके हैं, हैंडओवर कर चुके हैं, या किसी म्यूनिसिपल अथॉरिटी के को जो है वो हैंडओवर कर चुके हैं। तो जो केंट एरिया को हैंडओवर कर चुके हैं तो उसको हम कहते हैं कैंटोनमेंट फॉरेस्ट, और जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को हैंडओवर हो चुके तो उसको हम कहते हैं म्यूनिसिपल फॉरेस्ट। तो कैंटोनमेंट फॉरेस्ट एंड म्यूनिसिपल फॉरेस्ट आर ऑल्सो एक्चुअली रिजर्व फॉरेस्ट, विच मीन दे बिलोंग टू द गवर्नमेंट, लेकिन इनकी सिर्फ कंट्रोल जो है वो इन अथॉरिटीज को हैंडओवर हो चुकी है। उसके बाद की जो कैटेगरी है तो वो सिंपल जो रिजर्व फॉरेस्ट है तो उसमें हम कहते हैं कि जी राइट्स आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जस्ट सिंपल डिफिनीशन है कि जी फॉरेस्ट वी राइट्स आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, यानी वहां पे प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड थे। अब यहाँ पे ये सिंपल डिफिनीशन है कि राइट्स जो है वो परमिटेड होते, आप राइट्स, आपकी जितनी भी राइट्स है आपको परमिट है, आपको आप अलाउड है को उसको एक्सरसाइज कर ले, अनलेस प्रोहिबिटेड। लेकिन अगर किसी वक्त पे जो है गवर्नमेंट कोई मसला है फॉरेस्ट में तो गवर्नमेंट जो है थ्रू नोटिफिकेशन उन राइट्स को प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। तो सिंपल डिफिनीशन या सिंपल डिफरेंस ये है कि जी राइट्स जो है इसमें परमिटेड होते हैं अनलेस प्रोहिबिटेड थ्रू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अब ये भी गवर्नमेंट के फॉरेस्ट है, दीज आर आल्सो गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर यूजुअली बर्डन विद हेवी राइट्स एंड कंसेशन। पहले भी मैंने बात की कि जितनी भी हमारे फॉरेस्ट है, पार्टिकुलर ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, दे आर हेवीली बर्डन विद राइट्स एंड कंसेशन। इसमें इनमें लोगों के राइट्स होते हैं, लोगों के कंसेशन होते हैं, टिम्बर राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ वे, राइट ऑफ पाथ्स वगैरह, राइट ऑफ स्प्रिंग वाटर, इस तरह की राइट्स है लोगों के, ग्रेजिंग की राइट्स है लोगों की, जो कि नेचुरल जनरेशन के लिए जो है वो एक खतरा है। फिर उसके बाद हमारे पास जो गवर्नमेंट लैंड फॉरेस्ट में वो रिज्यूम लैंड है। तो रिज्यूम लैंड कौन से लैंड है? As a land result of Land Reforms Act 1955, the land surrendered by landlord when the limit for retaining the land was fixed. 1959 में जो Reforms Act आया था जिसके तहत ये बताया गया था कि जी आप एक fixed limit से ज्यादा अपने पास जमीन नहीं रख सकते। ये 1959 में एक्ट आया हुआ था जो कि जिसको कहते हैं रिफॉर्म एक्ट, और उसमें डिफाइन किया गया था कि भाई आप ज़्यादा लैंड अपने पास नहीं रख सकते, यानी ओनरशिप उसकी नहीं रख सकते। तो जब ये बात गवर्नमेंट की तरफ से आ गई, जब ये एक्ट पास हो गया, तो लोगों ने क्या किया, जो लैंड लॉर्ड लोग थे जिनके साथ बड़े बड़े पेचेस ऑफ लैंड थे, तो उन्होंने फिक्स लिमिट जो है अपने पास रख ली और बाकी जो है गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी। तो रिज्यूम लैंड्स वो लैंड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट को इन लैंडलॉर्ड ने सरेंडर किया है, यानी इनके हवाले किया है, क्योंकि इनके लिए लिमिट जो है वो फिक्स हुआ था कि जी आप इनसे ज्यादा लैंड जो है अपने पास नहीं रख सकते, आप गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर ले। अब ये मुख्तलिफ किस्म की सीलिंग थी कि जी आप इतना लैंड रख सकते हैं, इतना नहीं रख सकते। तो कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, रिफॉर्म प्रोसेस, द लैंड लॉर्ड रिटेन कल्टीवेटेड लैंड एंड सरेंडर वुड लैंड टू गवर्नमेंट। अब जब ये ऐलान हो गया कि आप ज्यादा लैंड नहीं रख सकते इस पर्टिकुलर लिमिट से, 100 एकड़ या 120 एकड़ या जो भी लिमिट डिफाइन हो गया था उस एक्ट में, तो उस में जो लैंड लॉर्ड थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने साथ एग्रीकल्चर लैंड या कल्टिवेटेड लैंड को अपने पास रख लिया, और जितना भी वुड लैंड था यानी फॉरेस्ट एरिया था, बेरन एरिया था, वो गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया। तो वो जो सरेंडर एरिया है जो कि इन लैंडलॉर्ड ने अपनी सीलिंग से ज्यादा जो जमीन थी गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी, उसको हम कहते हैं ये रिज्यूम लैंड है। और रिज्यूम लैंड जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में, यानी इनको जो लीगल प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर जो है, जो फॉरेस्ट आर्डिनेंस में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जो प्रोविजन है वो इसको भी अप्लाई हो रहे। तो ये जो लास्ट
है कि जी लीगल प्रोटेक्शन हैज बीन एक्सटेंडेड टू दिस फॉरेस्ट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जो कानून है, जो लॉ है, वो इस रिज्यूम लैंड्स के लिए भी वही लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद है हमारे पास अनक्लास फॉरेस्ट। तो अनक्लास फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट है कि जी अनक्लास मीन जिसकी क्लासिफिकेशन नहीं हुई है, सही है। तो अनक्लास फॉरेस्ट आर दोर फॉरेस्ट विच आर ओन बाई द गवर्नमेंट बट दे हैव नाइदर बीन नोटिफाइड एज रिजर्व नॉर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अंडर द लॉ, यानी उनको अभी तक न किसी ने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किए हैं, न इन्होंने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किए, बल्कि ये अनक्लास्ड है, इनकी क्लासिफिकेशन नहीं हुई है, तो उनको हम कहते हैं अनक्लास फॉरेस्ट। जिस तरह की इसकी एग्जांपल जो है वो वेस्टलैंड है, हजारा में जो वेस्टलैंड है वो उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसके साथ ही हम कंक्लूड कर लेते हैं आज के लेक्चर को। प्राइवेट ऑन फॉरेस्ट हमने इसे पढ़ ली और फिर गवर्नमेंट ऑन फॉरेस्ट, तो आज की जो हम हमारा लेक्चर था वो गवर्नमेंट ऑन फॉरेस्ट के था। तो इसके साथ ही कंक्लूड कर लेते हैं। थैंक्स एंड